कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जो पीटा गया, इसका हम खुले तौर पर चुनौती देते हैं और मैं वैसे गुंडों को भी चुनौती देता हूं, यदि उनका हौसला है तो आप आके हमसे मुकाबला करें, कितना उनके पास ताकत है मैं उसको देखूंगा। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, अभी हम मौजूद हैं रामगढ़ महाविद्यालय में और ये रामगढ़ महाविद्यालय में जो आप नज़ारा देख रहे हैं, हम चाहेंगे आप नज़ारा दिखाएं। ये नज़ारा कल इससे भयावह नज़ारा था जहां रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था यह रामगढ़ कॉलेज। यहां पर लाठी डंडे और पत्थर की बरसात हुई थी और बात था शैक्षणिक माहौल और शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का। उसके लिए 800 छात्र संघ के लोग यहाँ पर आए थे स्कूल में और विद्यालय में। लोग अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए, शैक्षणिक उनकी गुणवत्ता को सुधार लाने के लिए एक माहौल में भेजा जाता है और यहाँ पर लाठी डंडे से बात होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए आज यहाँ पर गिरिडीह सांसद और रामगढ़ के आजसू के नेतृत्वकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कल जो घटना हुई उसको आप किस रूप में देखते हैं। देखिए, कल की घटना को हम पूरी तरह से निंदा करते हैं और रामगढ़ विद्यालय में, महाविद्यालय में शैक्षणिक संस्था है और जहां पर छात्र संघ के हमारे सभी पदाधिकारी छात्र हित को लेकर इस क्षेत्र के जो बच्चे, मात्र एक सरकारी कॉलेज है जहां इंटर की पढ़ाई यहां के गांव के लोग, गांव के बच्चे, आसपास क्षेत्र के सभी लोग, बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं और उनका अचानक नामांकन करना बंद कर देना, साइंस फैकल्टी को बंद कर देना, इस क्षेत्र के लिए आखिर ये बच्चे जाएंगे कहाँ, इनका भविष्य कहाँ, कैसे उज्जवल होगा। लोग इस कॉलेज को बना था उस समय, लोग कितने लोग सपने पाल के कॉलेज को बनाए और इस तरह से बंद किया, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जो कॉलेज प्रबंधन के द्वारा इस तरह का बदमाशी किया गया है, जो हमारे छात्र संघ के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जो पीटा गया, इसका हम खुले तौर पर चुनौती देते हैं और मैं वैसे गुंडों को भी चुनौती देता हूँ, यदि उनका हौसला है तो आप आके हमसे मुकाबला करें, कितना उनके पास ताकत है मैं उसको देखूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनना है और उसको लेकर अहर्ता भी पूर्ण करती है ये कॉलेज, उसको लेकर ऐसा हुआ और एक तरफ जो है बड़ी तादाद में बच्चे और एक तरफ कम 30 से 38, तो क्या इस रूप में स्कूल के द्वारा इस तरह का एक्शन लिया जाना कहाँ तक जाएगा? देखिए, मैंने सबसे कहा शिक्षा नीति बढ़े और रामगढ़ एजुकेशन का हब बने, यह मेरा सपना है। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे पूर्वी भारत में एकमात्र महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको अभी तक नहीं चालू किया गया है और उसको भी सामान्य डिग्री कॉलेज बनाने का प्रयास किया गया था, जिसको हम लोगों ने विरोध किया। आज वह कॉलेज को AICTE से मान्यता भी मिला है लेकिन अभी तक उस पर पढ़ाई नहीं चल रहा है। आप समझिए कि यहाँ के भविष्य के लिए जो लोग सपना देखते हैं, जो लोग भाषण देते हैं कि रामगढ़ एक शैक्षणिक माहौल बनेगा, शैक्षणिक हब बनेगा, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया, ITI कॉलेज खुलवाया, लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ यहाँ का, छात्रों का भविष्य बिल्कुल अंधकार है, जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आजसू पार्टी और खासकर आप आम आवाम और के हक और अधिकार के लिए आपने हमेशा आंदोलन किया, चाहे सरकार की ही बात क्यों ना हो, आप सरकार में मंत्री भी रहे तब भी सरकार के विरुद्ध जाकर आपने आंदोलन किया था और वैसे में आज आपके आजसू के बड़ी तादाद में लोग गए, आपके पदाधिकारी गए छात्र संघ के, उनके साथ इस तरह का मारपीट को आप किस रूप में दल और आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी? देखिए, वैसे लोगों को हम लोग अच्छी तरह से मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं और आजसू शुरू से संघर्ष किया है। आजसू का जमीनी आधार ही आंदोलन रहा है और इस तरह का भभकी से हम लोग डरने वाले नहीं, आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देंगे और यहाँ के छात्रों के भविष्य के लिए, इस क्षेत्र के छात्रों के भविष्य के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो आजसू उनके साथ रहेगा। आपने देखा किस प्रकार से गिरिडीह के सांसद और आजसू के नेतृत्वकर्ता चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा आक्रोशित तेवर में कॉलेज के प्रबंधन चेतावनी दी गई है कि आप किसी भी पार्टी के बात करेंगे लाठी डंडे से आप बात नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र के ऊपर जो प्रहार हुआ है उसका पूरी तरह से सांसद गिरिडीह के द्वारा विरोध किया गया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है
काफी तादाद में लोग आजसू पार्टी के लोग मौजूद हैं, कई पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं, जिन सब के द्वारा कल हुए घटने का विरोध किया जा रहा है। आपने इस भीड़ के नजारे को देखा, कल हुए घटना को भी हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाया था कि किस प्रकार से यहां पर लाठी डंडे की बरसात हुई थी। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, यहाँ हम जजमेंट के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं आप प्रबंधन से भी और आजसू पार्टी से भी कि स्कूल और विद्यालय जो भी शैक्षणिक संस्थान होता है वहाँ सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन, संस्कार और भव्य भविष्य बनाने के लिए भेजा जाता है, उस जगह पर बात के बजाय मारपीट क्यों हुई? आखिर इसका जवाब कौन देगा? हम नहीं कहते कि आजसू की गलती है, स्कूल प्रबंधन की गलती है, ये गलती किनकी है, लेकिन किसी की भी गलती हो, पर ये जो इस तरह की अमानवीय स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई, मारपीट का माहौल जहां पर भाग्य और भविष्य बनता है बच्चों का, देश के आयाम को बदलने की बात होती है और वहां पर इस तरह की मार, यह सबसे घिनौनी हरकत हुई है, चाहे जिनके द्वारा भी यह किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि कल बिगड़े माहौल के बाद आज आक्रोशित होकर जो गिरिडीह के सांसद और आजसू के नेतृत्वकर्ता चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में जो यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है आजसू पार्टी के लोगों की, उस कारण से उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को भी मौजूद किया गया है ताकि कल जैसी भयावह स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो। हालांकि आपको हम बता दें कि कल पुलिस की मौजूदगी होने के कारण ही बहुत हद तक स्थिति को काबू किया गया, लेकिन फिर भी कई लोग घायल हो चुके हैं। हमारे सहयोगी से हम चाहेंगे कि आप दिखाएं दूर से यहाँ से नज़ारा कि किस प्रकार से काफ़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। यहां पर आजसू के कुछ युवा साथी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ हुआ और क्या कुछ आप लोग इस मामले को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, बताएं। मामले कल का जो घटना कॉलेज छात्र संघ के साथ मारपीट हुआ वो बहुत कड़ी निंदा करती है आजसू छात्र संघ। उसके बाद है कि बच्चों के भविष्य के लिए आज राजेश कुमार महतो जी जो आईएससी पढ़ाई के लिए रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ में स्टार्ट करने को लेकर कल धरना दिए थे, उसके बीच अचानक कुछ ग्रामीण आके इसके अपोजिट साइड होकर लाठी डंडा करा, ये बहुत गलत की घटना है। वही आज देख के माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह सांसद के आज निर्देशानुसार पे आज रामगढ़ कॉलेज गेट में धरना प्रदर्शन के काम किए गए हैं। ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, मारपीट हुआ है यहाँ पर। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि मारपीट किनके द्वारा हुई, हम इसके जजमेंट करता नहीं है, किसने मारपीट किया, किसने इस उपद्रव की स्थिति को उत्पन्न किया, ये वही जानते हैं जो इस भयावह स्थिति के जन्मदाता हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा एक सवाल कि आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम इन लोगों से भी जानते हैं कि इस कल जो घटना हुई, आपके बच्चे हैं? हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? अभी तो हमारा बच्चा राधा गोविंद में पढ़ते हैं। शैक्षणिक माहौल में इस तरह का घटना होना कैसे आप देखते हैं उसको? शैक्षणिक माहौल में इस तरह का घटना बहुत निंदनीय है और जो भी हुआ बहुत गलत किया, जिसके द्वारा भी हुआ बहुत गलत किया। किसी का हक और अधिकार मतलब मिलना और मांगना सबका हक बनता है भारत के संविधान में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं ये बहुत गलत किए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकार सबको मिलना चाहिए, बोलने का, रहने का अधिकार, मांगने का, आंदोलन करने का सबका अधिकार है, सबको अधिकार मिलना चाहिए। जो भी घटना हुआ, जिसके द्वारा भी घटना हुआ, बहुत काफ़ी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो आज कार्यक्रम जो आजसू पार्टी के द्वारा हुआ है, हक और अधिकार दिलाने के लिए हम लोग का पार्टी ने, आजसू पार्टी ने ये आंदोलन किया है। एक ठीक है, स्टार्ट है। कल जो है रामगढ़ परिसर में आजसू छात्र संघ के द्वारा जो है आईएससी की पढ़ाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। उसी दरमियान जो है कॉलेज के कर्मियों और अन्य बाहरी लोगों द्वारा जो है 40-50 की संख्या में आके उनके साथ मारपीट की गई है, जिस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लोग चिन्हित हो गए हैं? कुछ लोग चिन्हित है, बाकी 40-50 की संख्या में है तो उनको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के पश्चात जो है सभी पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों पे मामला दर्ज हुआ है क्या? दोनों ओर के लोगों पे मामला दर्ज हुआ है? अभी तक सिर्फ एक ओर से हुआ है, एक ओर का जो एप्लीकेशन है वो सही ढंग से नहीं आया था, उन्होंने जो अपना इनिशियल साइन करके भेजा था और प्राथमिकी जो है वो इनिशियल साइन पर नहीं दर्ज की जाती है, उनको सूचित कर दिया गया है कि वो जो है अपना। किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? धारा जो मारपीट का धारा है उसी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उच्च अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश मिले? उच्च अधिकारियों द्वारा भी यही है कि मारपीट हुआ है तो प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। आपने देखा, कल तालाबंदी करने गए आजसू छात्र संघ और स्थानीय लोग व कॉलेज प्रबंधन के लोगों के बीच हुए भारी झड़प के नजारे को, जिससे
कॉलेज का माहौल रणक्षेत्र में तब्दील हो गया था। हालांकि वायरल हुए वीडियो के अनुसार उस दरमियान रामगढ़ कॉलेज में तालाबंदी करने पहुंचे आजसू छात्र संघ के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की गई, जिससे आजसू पार्टी में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और आज आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से इस घटने के बाद आक्रोशित आजसू पार्टी के लोग आजसू के नेतृत्वकर्ता सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में कॉलेज में महाधरना के रूप में पहुंच गए और कई घंटे अपना विरोध व्यक्त किया। अपने महाधरने का नेतृत्व कर रहे चंद्र प्रकाश चौधरी को सुना, कुछ विरोधकर्ताओं को भी सुना और वहां के नजारे को देखा। अब कॉलेज के प्राचार्य एमके सिंह को सुने कि आखिर यह मसला क्या है और क्यों यह विवाद उत्पन्न हुआ और आखिर क्या इसका निराकरण होगा। रामगढ़ कॉलेज भविष्य में विश्वविद्यालय बने, इसका ख्याल हम में से हर किसी को रखना होगा। और आईएससी की पढ़ाई ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिसके लिए पूरे कॉलेज को, इसके पूरे छात्रों को और पूरे कर्मचारियों शिक्षकों को बंधक बनाने की कार्रवाई की जाए। रामगढ़ कॉलेज भविष्य में विश्वविद्यालय बने, इस दिशा में रामगढ़ के तमाम लोगों को, तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम नागरिकों को, तमाम छात्रों को, तमाम अभिभावकों को, सबको सोचना पड़ेगा। और यदि हम ये सोचते हैं तो फिर रामगढ़ कॉलेज का विकास होगा। इसे ये बनाते हुए कि हम चाह रहे हैं इसलिए हो जाए, तो मैं किसी भी मंच पर किसी के भी साथ अपने तर्क पेश कर सकता हूं और यदि उनको यह लगता है कि भाई वही सही है तो फिर वो करने के लिए भी मैं तैयार हो सकता हूं। लेकिन हमने यह भी कहा था कि स्टाफ काउंसिल की मीटिंग का फैसला जो है उसको स्टाफ काउंसिल की मीटिंग में ही बदला जा सकता है, लेकिन उस पर गौर नहीं करते हुए कल कॉलेज में तालाबंदी की गई और तालाबंदी के दरमियान छात्रों के ही दो गुटों में ये मतभेद हुआ है और उन्हीं के बीच ये संघर्ष हुआ है। वैसी दशा में ये आरोप लगाना उचित नहीं है। और दूसरे की रामगढ़ कॉलेज को यदि विकास करना है, आगे इसको विश्वविद्यालय में बढ़ना है, तो फिर कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट का मोह छोड़ना पड़ेगा और उसी मोह छोड़ने के तहत पहले चरण में अभी इंटरमीडिएट साइंस की पढ़ाई को बंद करने का निर्णय सबकी सहमति से लिया गया है। और जब सबकी सहमति का फैसला है तो वो सबकी सहमति से ही बदल सकता है, अकेले कोई प्राचार्य का फैसला नहीं है, इसलिए प्राचार्य नहीं बदल सकते हैं। धन्यवाद। न्यूजलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है 8 AC Marriage Hall आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। जी हां, गणक मैरिज हॉल, सबकौड़ी कॉम्प्लेक्स, बार्गेन बाजार के पीछे, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9835128509 8789654310।